हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग क्रड ऑपरेशन देखने वाले हैं फाइल सिस्टम में। यहाँ पे देखिए, इस क्रड ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले, फाइल को क्रिएट करने वाले, रीड करने वाले, अपडेट करने वाले और डिलीट करने वाले। और यहाँ पे ये ऑपरेशन अभी जो जो जितने भी ऑपरेशन करने वाले हैं उनके लिए अलग अलग सी मेथड्स है। यहाँ पे देखिए, जो क्रिएट फाइल करने की पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि राइट फाइल सिंक मेथड से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, रीड फाइल, अभी इस मेथड से आप फाइल को रीड कर सकते हो। और कुछ नया अपडेट करने के, मतलब कुछ नया डेटा ऐड करने का फाइल में, तो अपेंड फाइल मेथड यूज करते हैं। और जब फाइल को डिलीट करने के, तो अनलिंक सिंक मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सेम जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फोल्डर बना के उसमें एक फाइल क्रिएट की थी, वही फाइल क्रिएट मतलब राइट फाइल सिंक यूज करके क्रिएट की थी। अभी एक यहाँ पे देखिए, मैंने क्रड नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसमें एक कुछ एक भी फाइल नहीं है। और यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइल फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हेलो डॉट txt फाइल क्रिएट की थी। अब ये देखो, यहाँ पे इस क्रड फोल्डर में हमें एक फाइल क्रिएट करने के हैं, तो उसके लिए दो मॉड्यूल लगेंगे, एक एफ फाइल सिस्टम और एक पाथ। तो इनको अभी रिक्वायर कर लेते हैं। पहले कॉन्स्ट fs रिक्वायर और यहाँ पे fs, और जो सेकंड मॉड्यूल है पाथ रिक्वायर और यहाँ पे पाथ। अब एक वेरिएबल में उसका पाथ मतलब पाथ सेट कर लेते हैं क्रड फोल्डर का। यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फाइल पाथ ऐसा नेम दे रहा हूँ। और यहाँ पे पाथ डॉट जॉइन, जॉइन एक फंक्शन हो गया। और इसमें अभी करंट डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी नेम, और यहाँ पे जो फोल्डर बनाए हम लोगों ने यहाँ पे उसका नेम। अभी उसका अभी देखो, यहाँ पे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जब हम लोग फाइल पाथ ऐसा प्रिंट करेंगे कंसोल में, तो वहां पे आपको पाथ मिल जाएगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखो, अभी ये पाथ सेट हो गए हैं। अभी जो भी आप फाइल बनाओगे वो क्रड फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पे अभी जो मेथड है वो यूज करते हैं fs डॉट राइट फाइल सिंक। और यहाँ पे अभी फाइल कहाँ पे क्रिएट करने के उसका उस लोकेशन का पाथ, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करने वाले हैं। ES6 वर्जन में आया था जावास्क्रिप्ट में। और यहाँ पे नेम चेंज ये कर लेते हैं आई स्मॉल, इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। और यहाँ पे फाइल का नेम डेमो डॉट txt, और उसके बाद उसमें कुछ डेटा दे लेते हैं, दिस इज नोड जेएस क्रड ऑपरेशन। अभी इसको रन करते हैं, यहाँ पे भी आई स्मॉल आएगा। ये देखो, डेमो डॉट txt फाइल क्रिएट हो गई है और उसमें ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अभी रीड करते फाइल को, उसके लिए रीड फाइल मेथड यूज करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अभी कमेंट कर देता हूँ। ये जो पहला क्रिएट फाइल और यहाँ पे अभी रीड फाइल, अभी यहाँ पे fs डॉट रीड फाइल
अभी ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए अभी एक मेथड यहाँ पे एफ एस डॉट रीड फाइल मेथड है यहाँ पे। उसमें क्या मतलब शो करने के रीड करने के सिर्फ। तो ये देखो उसका सिंटेक्स है यहाँ पे एफ एस डॉट रीड फाइल। यहाँ पे फाइल नेम मतलब फाइल लोग पाथ यहाँ पे सेट करने का, और इनकोडिंग, और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रहता है। अभी यहाँ पे देखिए इसमें अभी जो हम लोगों ने पाथ सेट किया था वही पाथ यहाँ पे, और फाइल का नेम सेम वही यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद अभी इसमें एक कॉल बैक फंक्शन आता है यहाँ पे, और इसमें कॉल बैक फंक्शन में यहाँ पे सिंटेक्स में भी दिखा है उन्होंने। ये देखो यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं, आप इन पैरामीटर को कुछ भी नेम दे सकते हैं, पर वो क्यों मतलब ये क्या होता है कि शो करते हैं कि एरर होगा, तो एरर में और जो कंटेंट मतलब डेटा आएगा, कंटेंट रहेगा फाइल वो डेटा में आएगा। ये कॉल बैक फंक्शन के दो पैरामीटर हो गए, इसमें एरर और डेटा, आप कुछ भी नेम दे ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कंसोल में डेटा शो होगा अभी। ये देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को इस टाइप में डेटा मिल रहा है बफर। अभी जो हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे दिया है सेम वैसा ही डेटा वहां पे शो होना चाहिए अभी ये। और यहाँ पे इनकोडिंग इनकोडिंग करना पड़ेगा उसका। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए इनकोडिंग इट होल्ड द इनकोडिंग ऑफ फाइल इट्स डिफॉल्ट वैल्यू UTF ऐसा यूज करने का है वहां पे। अभी इसी को अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे ही दे देते। चलो अभी UTF-8 ये क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बोलते हैं इसको। अभी रन करते हैं, अभी देखो दिस इज नॉट जेएस क्रड ऑपरेशन, यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है। और अभी नेक्स्ट है फाइल को अपडेट करने का है, यहाँ पे अभी इसको हाइड कर लेते हैं। अपडेट फाइल यहाँ पे अभी जो मेथड यूज करने वाले हम लोग अपेंड फाइल है यहाँ पे एफ एस डॉट अपेंड फाइल अभी अपडेट करने के। तो यहाँ पे भी आपको फाइल का पाथ देना पड़ेगा, और उसमें जो नया डेटा ऐड करने का है वो वहां पे पास करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम वही पाथ आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे जो नया डेटा लेने वाले वो यहाँ पे गुड मॉर्निंग ऐसा मैसेज ऐड कर लेते हैं मतलब फाइल में। और इसमें देखो यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लो। ये देखो यहाँ पे एफ एस अपेंड फाइल, यहाँ पे पाथ डेटा, और इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन आता है। ये देखो यहाँ पे मतलब जब एरर रहेगा तो वो शो करने के लिए यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन ले लेते हैं। तो इसमें और यहाँ पे एरर, और यहाँ पे एरर प्रिंट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग पहले एरर प्रिंट करके देखते हैं इसमें क्या आता है।
यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। अभी यहाँ पे देखिए एक जब एरर आएगा तब एक मतलब फाइल अपडेटेड हो गई कि नहीं वो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इफ नॉट इक्वल एरर और कंसोल में यहाँ पे हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं कि फाइल अपडेट हो गई, तो यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। फाइल अपडेट ऐसा मैसेज आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे अभी फाइल अपडेट ऐसा मैसेज शो हो रहा है। तो अभी फाइल चेक कर देखते चेक करके यहाँ पे डेमो डॉट यहाँ पे देखिए अभी ये अपडेट भी हो गया है। गुड मॉर्निंग ऐसा यहाँ पे ऐड भी हो गया है। और उसके बाद जो लास्ट मेथड है फाइल डिलीट करने की, तो यहाँ पे फाइल डिलीट करने करने के लिए सिंपल एक ही मतलब लोकेशन सेट करना पड़ता है। उसमें कोई डेटा भी मतलब पैरामीटर एक ही, उसमें सिर्फ आपको फाइल का लोकेशन देना पड़ेगा मतलब कौन सी फाइल डिलीट करने की। यहाँ पे देखिए fs डॉट अनलिंक सिंक ये मेथड हो गई। और यहाँ पे पाथ दे देते हैं अब इसको रन करते हैं। अभी ये देखो यहाँ पे क्रर्ड फोल्डर में डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल वो डिलीट होने वाली है। नोट इंडेक्स डॉट जेएस ये देखो वो फाइल डिलीट हो गई, यहाँ से रिमूव हो गई है। ये देखो अभी इस क्रर्ड फोल्डर में एम्प्टी हो गए, ये डिलीट हो गई फाइल उसमें से।